नमस्ते, मैं कोकिला जैन। इस बार सुनिए मेरी कहानी नक्की कहती गोली की कहानी में रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। पंछी हमारे इकोसिस्टम के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ये लुप्त हो रहे हैं तो ये एक सूचक है, एक संकेत है कि इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। हम इंसान हरा जंगल को नष्ट कर कॉन्क्रीट जंगल बड़ी तेजी से बनाते जा रहे हैं। हर इंसान का एक कर्तव्य है, एक दायित्व है कि हम इन पंछियों की संरक्षण करना चाहिए। मैं गोरैयों के लिए काम कर रही हूँ। क्योंकि मेरे आसपास गोरैया नहीं है तो मैं मेरे घर से दूर और मंडी मार्केट में जाकर उनका संरक्षण का काम कर रही हूँ। पहले मैं अपने ग्रुप के साथ जाकर इसे कैंपेन किया, लोगों को जागरूक पैदा करी। फिर हमने वहाँ पे मिट्टी के घर लगवाया और बैम्बू के घर लगवाए और दाना पानी की भी सुविधा देते रहे। ज़रूरी नहीं कि मिट्टी के घर हो या बैम्बू के घर हो या लकड़ी के घर हो, कुछ नहीं तो कार्टून बॉक्स भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह से वहाँ पे स्पैरोस रिवाइव हो चुके हैं। वैसा देखा जाए तो पेड़ों के बिना पंछियों की कल्पना किया ही नहीं जा सकता। अगर अपने को पंछी को रिवाइव करना है तो वृक्षारोपण करना ही चाहिए और ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए जिस पर पेड़ पंछी निर्भर हो सके, जैसे कि अनार, चीकू, एवोकाडो और पपाया, आम और इमली, सोपनट, ऐसे फलों के पौधे लगाने चाहिए। क्योंकि मेरे घर के आंगन में जगह नहीं है तो मैं घर पर खुद ही सैम्पलिंग्स बनाती हूँ और लोगों को डोनेट करती हूँ जो उसकी संभाल कर सके। तो ऐसे में मैं लोगों को डोनेट कर रही हूँ और आगे भी मैं करती रहूँगी। इस तरह से अगर हम हर एक इंसान छोटा सा कदम उठाए, छोटा छोटा कदम से काफ़ी कुछ बदलाव लाया जा सकता है और ये पर्यावरण को खुशहाल बनाया जा सकता है, पंछी को रिवाइव किया जा सकता है। पेड़ के बिना पंछी नहीं, पंछी के बिना जीवन नहीं, पंछी के बिना पर्यावरण ही नहीं।